subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sarabdas Sattar Khan. We are going to learn 2.5 book review Swami and Friends by R.K. Narayan. वार्मिंग अप चिट चैट की एक्टिविटी देखेंगे. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए. चलिए शुरुआत करते हैं बुक रिव्यू. ये स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण ने लिखा है. चिट चैट करेंगे. योर फेवरेट बुक, आपकी सबसे फेवरेट बुक कौन सी है, इसके ऑथर का नाम क्या है, आपको याद है क्या? मेरी तो फेवरेट बुक है जंगल बुक, जिसे रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था. आपकी और किस टाइप की आपको बुक पसंद है, कौन सी बुक आप कॉमिक्स बुक पसंद करते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़, बायोग्राफी, थ्रिलर, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, हिस्टोरिकल. अब आपके पसंदीदा राइटर कौन है, आर के नारायण है या फिर रुडयार्ड किपलिंग है या फिर रस्किन बॉन्ड है? आप अपने ऑथर का नाम बोल सकते हैं. आपको मेन कैरेक्टर कौन सा पसंद आया, रस्किन बॉन्ड के नावल का है द बॉय हु ब्रोक द बैंक में का नाथू, या फिर आपको आर के नारायण का जो कैरेक्टर था राजू का गाइड में, तो क्या वो तो पसंद आया? अब इसमें उसका बैकग्राउंड क्या था और कौन से प्रॉब्लम्स थे, ये आपको पता है? चलिए देखते हैं. नेम ऑफ द बुक, आइथर, राइटर, उसकी रेटिंग्स देना है, पुअर, एवरेज. ये क्या है, आपने एक यू हैव रिसेंटली रीड अ शॉर्ट स्टोरी, नावल, ड्रामा, साइंस फिक्शन, घोस्ट स्टोरी. आपने कोई तो भी एक किताब पढ़ी है और उसको पढ़ने के बाद में आपको उसके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स निकालना है. तो यहाँ एक ट्री डायग्राम दिया है. अब आपको उसके स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, जब आप उसको एब्जॉर्बिंगली इंटरेस्टिंग इमेजिनेटिव स्टोरी, यानी वो स्टोरी बहुत ही इमेजिनेटिव है और बहुत इंटरेस्टिंग लगी. दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है, इजी टू रीड, सिंपल, ल्यूसिड एंड ह्यूमरस, यानी वो आपको पढ़ने में आसानी लगी और आपको बहुत अच्छी लगी, इसकी स्ट्रेंथ है. उसके बाद और एवरी एवर लास्टिंग सोर्स ऑफ एम्यूजमेंट, लर्निंग, विट एंड विजडम, आपको बहुत सारी चीज़ें उससे सीखने को मिली, ये भी उसकी एक स्ट्रेंथ हो सकती है ऑथर और राइटर की और बुक की भी. वीकनेस क्या हो सकती है, टू मच एक्सैग्रेटेड डिस्क्रिप्शन, यानी कितना बड़ा चढ़ा कर बताया गया है. उसके बाद वीकनेस क्या हो सकती है, लिटिल लिटरेरी वैल्यूज, उसमें लिटरेरी वैल्यूज बहुत ही कम है, यानी इसमें जो ज़बानी इकदार है उसका बहुत ही फुकदान है. ओनली फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट, सिर्फ वो फ़न के लिए बताई गई थी, तो ये भी आपके लिए सही नहीं हो सकता है. अब देखिए यहाँ पर एक ग्रामर सेक्शन है लैंग्वेज स्टडी का. ये डिटरमाइनर्स पूछा जा रहा है. डिटरमाइनर्स किसे कहते हैं, डिटरमाइनर क्या है, ये तहदीदी अल्फाज होते हैं. डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स डेट मॉडिफाई अ नाउन और नाउन फ्रेज एंड अकर बिफोर देम इन अ सेंटेंस. ये क्या है, डिटरमाइनर्स होते हैं. अभी कौन कौन से हैं, इसमें आर्टिकल्स आ सकते हैं, ए एंड द, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आ सकते हैं, दिस, डैट, दीज, दोज, विच, पसेसिव्स हो सकते हैं, माई, यूअर, आवर, देयर, हिज, हर, और क्या हो सकते हैं, क्वान्टिफायर्स होते सकते हैं, फ्यू, मैनी, मच, मोर, एवरी, ईच, सम, और न्यूमरल्स हो सकते हैं, वन, फोर, हंड्रेड, फर्स्ट, फोर्थ, हंड्रेड. अब ये इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और हम इसके बारे में डिटेल में ग्रामर के एक सेपरेट वीडियो में हम इसके बारे में डिटरमाइनर्स के बारे में मालूमात तो हासिल करेंगे. यहाँ पर थोड़ा सा एक मुख्तसर देख लेते हैं. माय ब्रदर बॉट अ फ्यू मैगजीन्स, यहाँ पर क्या है, आई अ फ्यू भी आ गया और माय ब्रदर भी आ गया. व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स नेम, अब यहाँ यूअर फ्रेंड्स, विच राइटर वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री, विच इस्तेमाल किया है यहाँ पर, दीज आर सम टॉयज, दीज इस्तेमाल किया डिटरमाइनर्स में, दीज टॉयज आर न्यू, दीज इस्तेमाल किया है, द डॉक्टर इज़ एन एक्सपर्ट डेंटिस्ट एंड ही हैज़ मेनी पेशेंट्स. अब ये मेनी है, ये भी क्वान्टिफायर से इस्तेमाल किया है. लेट्स बिगिन, हम इस टेक्स्ट बुक के चैप्टर का मुताला शुरू करते हैं. स्वामी एंड फ्रेंड्स बुक रिव्यू, ये बुक रिव्यू क्या होता है, ये किसी किताब के मुतालिक इख्तिसार मालूम करना, यानी वो अच्छी है, बुरी है, कैसी है, उसे लिखने वाले ने उसे कैसा लिखा है, उसकी ज़बान कैसी है, अल्फाज का कैसा इस्तेमाल किया, उसमें ग्रामर ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्या, इजी लैंग्वेज है, समझ में आने वाली है, ये सब चीज़ें उसमें हम बुक रिव्यू में समझने की कोशिश करते हैं. आपके लिए इंटरेस्टिंग है नहीं है, आप भी कर सकते हैं, किसी भी बुक का रिव्यू कर सकते हैं. आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर का रिव्यू कीजिए, आपको बहुत अगर रिव्यू करने का अगर शौक़ आए तो आप कर सकते हैं बिल्कुल. अ लिटिल बिट अबाउट द बुक, अब थोड़ा सा मुख्तसर बात आपको इस किताब के बारे में
पहले माल लेना चाहिए, उसके बारे में बताना। बुक रिव्यू कैसे करते हैं इस चैप्टर में हम उसे पढ़ेंगे समझेंगे। एनीथिंग आई मेंशन अबाउट द बुक कैन बी मिस्टेकनली अंडरस्टूड एज स्पॉयलर्स। अगर कोई भी बात अगर किसी किताब के बारे में हम कहते हैं तो उसे बाद लोग क्या कहते हैं, ये स्पॉयलर है, स्पॉयलर यानी बिगाड़ने वाली बात है। सो आई वुड रादर गिव अ ग्लांस इन टू द बुक विदाउट मैंशनिंग एनी इवेंट्स और प्लॉट्स ऑफ द स्टोरी। यानी क्या करेंगे, उसके कहानी के प्लॉट या उसका जिक्र किए बगैर थोड़ा सरसरी नज़र डालेंगे कि बुक में कौन कौन सी चीज़ें हैं और हम उसे पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले, स्वामी इज़ अ मिस्चीवियस लिटिल किड ऑफ अबाउट 10 years ओल्ड एंड लिविंग इन द एरा वेयर इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। अभी कहानी किस वक्त की है, जब भारत पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। स्वामी नाम का एक 10 साल का लड़का है, बहुत ही शरीर है, मिसचीवियस है यानी शरारती लड़का है, नॉटी है बहुत, मिसचीवियस यानी शरारती लड़का है, तो उसके बारे में है। लाइक मोस्ट किड्स ऑफ डैट एज, स्वामी इज़ अ किड हु कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस एंड एब्सोल्युटली हेट स्कूल। अब आप में से भी बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं होगा, वैसे ही स्वामी को भी पसंद नहीं था, उसे खतई ही पसंद नहीं था कि वो स्कूल में जाए, और उसे बिल्कुल वो एक जगह बैठ नहीं सकता था, दूसरे जैसे बच्चे नहीं बैठ सकते, कई सारे बच्चों को घूमना फिरना और मस्ती करना शरारत करना बड़ा पसंद होता है, तो वैसा ही स्वामी था। इवन वर्स मैथमेटिक्स, और सबसे ज़्यादा उसको नफरत थी किससे, मैथमेटिक्स से। स्कूल इज़ हिज एब्सोल्यूट नाइटमेयर। अब स्कूल क्या था, स्कूल तो उसके लिए स्कूल जाना एक बहुत बड़ी नाइटमेयर, एक बहुत भयानक सज़ा के जैसा था। अगर उसको कहीं भेजना है, स्कूल भेज दो, सबसे बड़ी सज़ा हो जाती थी स्वामी के लिए। Anyway, the story unfolds around the happenings of this kid and how he constantly gets into trouble and gets a good beating from his father. और ये कहानी शुरू होती है उन वाक़यात से जब ये मुश्किलात में पड़ता है और उसके वालिद उसकी खूब पिटाई करते हैं, हमेशा मार खाता है वो, कभी भी मुसीबत में फंसता है, मुसीबत से बाहर तो निकल जाता है लेकिन जब घर पे पता चला तो खूब फटके पड़ते हैं। स्वामी इज़ अ टॉकेटिव लिटिल किड एंड थिंक्स डैट हिज वे ऑफ फेसिंग लाइफ। यानी स्वामी क्या है, टॉकेटिव, टॉकेटिव यानी बातूनी बच्चा है, और वो अपने नज़रिए से ज़िंदगी को देखता है और टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एवरीथिंग, और वो अपनी आदत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहता है। बट ही डज लर्न द ट्रूथ द हार्ड वे। लेकिन उसको जो मुश्किलात में जब घुसता है तो हकीकत बहुत, जो सच्चाई है, बहुत मुश्किल से उसके हाथ में आती है। एज मेनी टीन्स बैक देन, ऑल ही वॉन्ट्स टू डू इज़ प्ले अंडर द सन। अब वो क्या करता था उस ज़माने के, जब बहुत सारे उसकी उम्र के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको क्या पसंद था, बाहर धूप में जाके खेलना, किक समथिंग, किसी चीज़ को मारना, ठोकना, ये ठोकरा मारना, क्लाइंब अ ट्री, दरख्तों पर चढ़ना, झाड़ों पर चढ़ना, ब्रेक समथिंग, कोई चीज़ तोड़ना फोड़ना, और एंड हैरास समबडी अनलाइक किड्स टुडे, और किसी को जाकर मस्ती में सताना। तो ये तो बहुत सारे बच्चों को पसंद है, हैरास करना यानी हरासमेंट करना, सताना। दिस इन फैक्ट वॉज एंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टिल इज द लाइफ ऑफ ए टिपिकल बॉय ग्रोइंग अप। अब भारत के बहुत सारे इलाकों में आज भी यही तरीक़ा रायज है जिसमें बच्चे बड़े होते हैं। टेक्नोलॉजी इज़न्ट बिग इन अ किड्स लाइफ, ऑल दे वांट इज़ टू प्ले हैवक। अब क्या होता है, टेक्नोलॉजी का बच्चों की ज़िंदगी पर कभी भी असर नहीं होता, और वो अपनी ज़िंदगी खुद जीते हैं और वो धींगा मस्ती करते रहते हैं। इन व्हाट सेज इज स्वामी अ टिपिकल बॉय इन हिज ग्रोइंग ईयर्स। अब बढ़ती उम्र में स्वामी किस तरह का एक मखसूस किस्म का लड़का था उसके बारे में हम देखते हैं। इन दिस रिगार्ड नारायण गेट्स डीपली इन टू द वर्किंग ऑफ स्वामी 10-year-old माइंड। अब इस मामले में क्या हुआ, जो हमारे राइटर है आर के नारायण, वो 10 साल के जो स्वामी है उसकी जहन की गहराइयों में झांकते हैं और नहायत उमदगी से उसकी जो सोच है उसको बाहर निकाल लाते हैं। एक्सप्लेनिंग एक्सक्विजिटली हाउ ही थिंक्स एंड व्हाट हिज पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड। और क्या करते हैं, वो वजाहत करते हैं नहायत एक्सक्विजिटली यानी नहायत उमदगी से, बहुत सफाई से, और क्या करते हैं, उसका जो नुक्ता नज़र है, उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसे वो बाहर लाते हैं। पर्सपेक्टिव यानी नुक्ता नज़र। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, द रीडर डज फील लाइक स्वामी एंड गेट्स वेरी अटैच्ड विद द कैरेक्टर एज द स्टोरी प्रोग्रेस, दैट द मैजिक ऑफ नारायण।
यानी नारायण की जो राइटिंग है उसका ये जादू ही है कि जैसे जैसे आगे कहानी बढ़ती है वैसे वैसे नई नई चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।